हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग। बिकॉज रात में मैं सोच कर सोया था, सोचना मैं बहुत पहले से था कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, मगर रात में मैंने बोला कन्फर्म है कि मैं ब्लॉगिंग सुबह से स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। तो दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग, तो आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो ट्रेंडिंग करनी पड़ती है ना हर चीज़ की। तो आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, एंड अब चलते हैं, फजर का टाइम हो गया है, फजर की नमाज पढ़ते हैं। चलो मैंने मस्जिद में मोबाइल निकाला, सारे मुझे कह रहे हैं भाई क्या कर रहे हो आप, मस्जिद में मोबाइल क्यों निकाल रहे हो। मैंने बोला यार लग दो फटाफट से, वरना कुछ क्लिप्स उठानी थी। चलो कोई बात नहीं उठा पाए, मगर भाई मस्जिद में आज के बाद मोबाइल नहीं उठाने वाला, क्योंकि मेरे को फर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया मस्जिद में मोबाइल उठाने में होता क्या है। मैंने काकू वगैरह के ब्लॉग में देखा था, वो किस तरीके से उठा देंगे पता नहीं यार। चलो तो प्रैक्टिस वगैरह हो गई, अब चलते हैं नीचे, खाना वगैरह खाते फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। और बातें करनी थी यार, भाई को सपोर्ट दिखाना, फर्स्ट ब्लॉग है, माना थोड़ी सा थोड़ा थोड़ा नर्वस होगा ब्लॉग और सुस्त भी होगा पता है मुझे, मगर भाई लोग सपोर्ट दिखाना है यार प्लीज़।
देखो तो फारिक कमेटी के चेयरमैन कैसे पढ़े हुए देखो, ये लपांडा पढ़ा हुआ है, ये लपांडा, ये बासित लपांडा, ये घर बन रहा है इसके पप्पा का, और ये यहाँ पढ़ा हुआ है, और ये है अब्बास, इसको क्या बोलते हैं भाई हम, बंगाली चिपोटला, नहीं, नबील का वो नहीं बोल सकते मुंह दिखाओ भाई, अपना कैमरा में मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ, ये लपांडे भाई पढ़े हुए, ये और ये देखो पढ़े हुए कहाँ ऊपर छत ही नहीं है ये मेरा अकेले का नाश्ता है, ये मैं फजर पढ़ता हूँ और फिर सुबह मैं अपने लिए नाश्ता ला दूँ, ये अपना नाश्ता करते हैं हम अपने इसमें सुकून से, तो चलो तो अब सोते हैं, बस अब सुबह मिलेंगे ठीक है ना, सुबह मिलते हैं, नींद बहुत तेज़ आ रही है और रात में भी मैं ज़्यादा जल्दी सोया नहीं पाया, सुबह मिलते हैं। इग्नोर करना यार, पीछे ना गाड़ियाँ चलती हैं मेन रोड और शोर तो आता है, और तुम लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ, आज वो ही है, मैं शॉप पे आके बैठा हूँ, मैंने भाई की शॉप है वैसे तो, भाई की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं खोलता हूँ यार, मैं शॉप पे आके बैठा हूँ, मैंने पैना फ्लैक्स था एंगल पे बना हुआ था, चार साइड नहीं बना हुआ था जैसे चार बना हुआ, वैसे एंगल बना हुआ मैंने निकाल के मैंने रोड पे रखा, दो दो लड़के आए और ऐसे उठा कर ले गए, क्या कर सकते हैं, परसों एक हादसा पेश हुआ कि भाई का मोबाइल स्नैचिंग कर लिया और आज पेनाफ्लैक्स भी ले गया, भाई शर्म नहीं आती अरे लोगों को, भाई भाई का मोबाइल भी ले गए ये लोग स्नैचर ऐसे पता नहीं इसीलिए शायद भाई की तबियत खराब है, बंदे को यार इतनी महंगी चीज़ चली जाए तो गम तो होता है ना, फिर और क्या होते हैं, वो आए उन्होंने भाई के ऊपर डायरेक्ट रख दिया, भाई मोबाइल तो बाहर ही था और उनके पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि वो काउंटर पर रुके हुए थे, अंदर वो आ नहीं सकते थे, तो रुके हुए थे अंदर आ नहीं सकते थे, तो वो मोबाइल का भाई का मोबाइल ले गए, पैसे वगैरह छोड़ गए, शुगर है वो पैसे वगैरह छोड़ गए, सिर्फ भाई का मोबाइल ले गए, और क्या बोलते हैं, तो मुझे भी डर लगता है भाई, मुझे भी डर लगता है, अनजान बंदे मेरे को लगते ना यार थोड़ा सा कुटका होता है, तो मैं मोबाइल छुपा देता हूँ, मैं मोबाइल बाहर नहीं रखता, तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में, और अपना ख्याल रखना यार भाई लोग, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़रूर, चलो पक्का फिर।